गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर्स और नंबर लाइन। अब देखिए, प्रीवियस क्लासेस में हमने अभी तक क्या पढ़ा है, नंबर लाइन्स के बारे में तो हमने पढ़ चुके हैं, और नंबर लाइन्स के ऊपर हम नेचुरल नंबर्स, जीरो और नेगेटिव नंबर्स को बहुत ईजिली लोकेट कर सकते हैं। इवन देन हम रैशनल नंबर जो पी बाय टू की फॉर्म में होते हैं, दैट मींस फ्रैक्शनल नंबर्स, उनको भी बहुत इजीली हम लोकेट कर सकते हैं नंबर लाइन में, और वो हमने पढ़ा भी हुआ है। अब थोड़ा सा जो नया कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं उसका नाम है हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब देखिए, इरेशनल नंबर हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो नंबर्स नाइदर रिपीटिंग नॉर टर्मिनेटिंग, जो नंबर ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। बेसिकली जितने हमारे, सपोज जैसे हम लिखते हैं अंडर रूट थ्री को जब आप सॉल्व करेंगे 1.73 आपको सॉल्व इसकी वैल्यू आपको मिलती जाएगी, और ये ना तो नंबर जो अंडर रूट थ्री है वो ना ही रिपीट करेगा और ना ही टर्मिनेट होगा। सिमिलरली अगर बात करते हैं अंडर रूट टू की 1.41 आपको सॉल्व, इसको आप सॉल्व करेंगे, ये भी जो नंबर है ना ही रिपीट करेगा और ना ही टर्मिनेट होगा जब आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे जो अपना कॉन्सेप्ट है वो है इन नंबर्स को, लाइक रूट थ्री, रूट टू, इनको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम इस चीज को सीखेंगे। तो देखिए, सपोज हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि अंडर रूट टू को हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर, अंडर रूट टू को हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे हमने जीरो कंसीडर किया, यहाँ पे जीरो, देन यहाँ पे वन हो गया, थोड़ा सा आप डिस्टेंस इसमें लेके चलेंगे, टू देन थ्री देन फोर अपटू सो ऑन, और यहाँ पे नेगेटिव भी आप ले सकते हैं, -1 -2 -3 अपटू सो ऑन, और नेगेटिव यहाँ पे हमें जरूरत है। अब देखिए, हमें इसे रिप्रेजेंट करना है रूट टू को। अब रूट टू को अगर आप कुछ इस तरह से लिखें, देखिए 1 + 1, हमने क्या किया, जो अंडर रूट में 2 था उसको हमने ब्रेक करके क्या लिखा, 1 + 1 करके लिखा। अब आपको ये भी पता है अगर मैं 1 को कुछ इस तरह लिखता हूँ, स्क्वायर ऑफ 1 + स्क्वायर ऑफ 1, तब भी वो रूट 2 के ही इक्वल है, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1, दैट मींस 2। अब आपने क्लास 8 में ये जरूर पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम का मतलब ये है, जैसे अगर आपके पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे जो एंगल बी है वो राइट एंगल है, दैट मींस 90, तो उसमें जो हाइपोटेन्यूज होगा, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर है पाइथागोरस थ्योरम। अब इसी पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे रूट टू को अगर हमें अपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, आपने अंडर रूट टू को ब्रेक करके क्या लिखा, 1 + 1, देन अगेन हमने इस 1 + 1 को स्क्वायर ऑफ 1 + स्क्वायर ऑफ 1 लिख दिया। अब यहाँ पे जो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 है, इसे हम 1 यूनिट का डिस्टेंस यहाँ पे है, और इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे डार्क कर दिया। हमने क्या किया, जो 0 से 1 का जो डिस्टेंस है इसको हमने डार्क कर दिया। सपोज ये हमारा हो गया बेस, यहाँ पे हमने 1 की जगह यहाँ पे आप a भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने इसे क्या मार्क कर दिया, a। अब इस a पॉइंट से हमने क्या करना है, इस a पॉइंट से, अब यहाँ पे देखिए, अगर आपने इसको बेस कंसीडर कर लिया तो उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये परपेंडिकुलर है, तो हमने 1 यूनिट का परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करना है। आप क्या कर सकते हैं कि पहले आप यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं, और इसमें आप कंपास की हेल्प के बिना भी जो हमारा प्रोट्रैक्टर है उससे भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 90 का पहले एंगल ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पे 1 यूनिट का डिस्टेंस, जो डिस्टेंस आपका 0 से 1 तक था उतना ही डिस्टेंस आप यहाँ पे लेंगे, और यहाँ पे एक मार्क कर देंगे, आर्क लगा देंगे या पॉइंट मार्क कर देंगे, और वहां पे आप इसको जो नेम है वो क्या कर देंगे, बी कर देंगे। हमने यहाँ पे क्या नेम दे दिया, बी। तो हमारे पास यहाँ पे जो ये 0 से 1 तक का जो डिस्टेंस है ये हमारा बेस हो गया, और ए से बी तक का जो डिस्टेंस है यहाँ परपेंडिकुलर हो गया, और यहाँ पे हम एक
राइट एंगल का सिंबल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो पॉइंट जीरो है इसको हम ओ भी कंसिडर कर सकते हैं, ओरिजिन जो है, और बी से इसको हम ज्वाइन करेंगे। हमने क्या किया थर्ड स्टेप में, हमने इस पॉइंट से जो ओरिजिन जीरो है यहाँ से बी को क्या किया कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ स्केल। ये सारा ज्योमेट्री आप इसमें पेंसिल का ही यूज करेंगे। तो ये जो आपको वैल्यू मिली यहाँ से जो ओ से बी का जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या रहेगा अंडर रूट टू। आपके पास जो O से B तक का जो डिस्टेंस आया वो क्या आया अंडर रूट टू। लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये O से B तक है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या थी कि अंडर रूट टू को हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, और हमारी जो नंबर लाइन है वो तो ये है, हमारी नंबर लाइन ये है। तो इस अंडर रूट टू को अब नंबर लाइन पे हम कैसे प्रूव करेंगे, लास्ट स्टेप में आपको जस्ट क्या करना है, आपको कंपास ओपन करना है और यहाँ पे O पे कंपास का जो पॉइंट है उसको रख के और B तक का डिस्टेंस मेजर करना है। आपने क्या किया कंपास ओपन की और O से B पॉइंट तक का डिस्टेंस मेजर किया और O को सेंटर मान के, O को आपने क्या किया O को सेंटर मान के आपने एक आर्क ड्रॉ की पॉइंट B से लाइक दिस। यहाँ पे आपने एक आर्क ड्रॉ की पॉइंट B से O को सेंटर मान के आप देखेंगे जब आप इस आर्क को ड्रॉ करेंगे O को सेंटर मान के और OB जितना लेंथ है उतना कंपास ओपन करके आप एक क्या करेंगे आर्क ड्रॉ करेंगे। जब आप इस आर्क को ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे ये जो आर्क है इस नंबर लाइन को किसी ना किसी पॉइंट पे क्या करेगी इंटरसेक्ट करेगी। तो सपोज यहाँ पे ये इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे हमने इसको नेम दे दिया सी, यहाँ पे नेम सी दे दिया और जस्ट हम इसके यहाँ पे भी सी। तो जहां पे इसने इंटरसेक्ट किया इस आर्क ने नंबर लाइन को जहां पे इंटरसेक्ट किया और वो जो वैल्यू आई वो हमारी अंडर रूट टू है। तो जो सी पॉइंट है वो क्या है अंडर रूट टू है। या आप ये भी लिख सकते हैं अगर ये आप सपोज इसको ओ कंसीडर करते हैं तो ओ से सी की जो वैल्यू है जो ओ सी है वो क्या है अंडर रूट टू। एक बात का ध्यान आप इसमें और देंगे कि जैसे सपोज जैसे हमें पता है कि यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे अंडर रूट फोर है, आपको पता है जो अंडर रूट फोर है उसकी वैल्यू क्या होती है टू होती है। अंडर रूट फोर की वैल्यू क्या है टू है। हम यहाँ पे फाइंड आउट क्या कर रहे हैं रूट टू को हम प्रूव कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि जो रूट टू होगा वो रूट फोर से क्या होगा लेस होगा, जो रूट टू है वो रूट फोर से ऑब्वियसली लेस होगा। तो जो आपकी जो आर्क है वो जो ड्रॉप होगी वो टू से पहले ही होनी चाहिए। अगर आप सपोज आप एक आर्क ड्रॉ करते हैं और वो ऐसा होता है कि वो आर्क आपकी यहाँ पे जो टू है इससे बाद में ड्रॉप हो रही है, दैट मींस आपकी जो कंस्ट्रक्शन है वो गलत हो रही है। सिमिलरली जिस वे में हमने रूट टू को रिप्रेजेंट किया अगर आप रूट थ्री को भी रिप्रेजेंट करेंगे तो वो भी जो आपकी आर्क है वो भी यहाँ पर टू से पहले ही होगी, क्योंकि जो अंडर रूट थ्री है वो भी अंडर रूट फोर से लेस है। तो क्योंकि अंडर रूट फोर क्या होता है टू होता है, यहाँ पे जो टू है यहाँ पे टू है इससे पहले ही आपकी जो आर्क है वो क्या होगी ड्रॉप होगी। तो इससे आपका क्या होगा ये अंडर रूट टू को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। सिमिलर वे में जैसे अंडर रूट टू को हमने रिप्रेजेंट किया अंडर रूट थ्री को भी हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अंडर रूट थ्री का भी हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे। अंडर रूट थ्री को थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना होगा। यहाँ पर अंडर रूट थ्री अब जैसे कि हमने नंबर लाइन के अभी अंडर रूट टू को तो रिप्रेजेंट कर दिया, नंबर अंडर रूट टू को रिप्रेजेंट किया कैसे किया यहाँ पे हमने डिस्टेंस लिया था सेम वे हम इसमें करेंगे। तो यहाँ पे हमको पता है अगर ये ओ है ये ए है और जो बी है तो हमें यहाँ पे पता लग गया जो ओ बी है वो हमारा अंडर रूट टू है। अब इस अंडर रूट थ्री को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया अब इस अंडर रूट टू की हेल्प हम लेंगे। अब देखिए अब इस अंडर रूट टू को हम क्या करेंगे बेस कंसीडर करेंगे, अंडर रूट टू को हम क्या करेंगे बेस कंसीडर करेंगे और इस बी पॉइंट पे इस बी पॉइंट से हम एक 90 डिग्री का एंगल प्लॉट करेंगे इस तरह। तो यहाँ पे हमने एक राइट एंगल बनाया, यहाँ पे हमने राइट एंगल बनाया और यहाँ पर हम 1 यूनिट का आर्क यहाँ पे या एक 1 यूनिट के बाद यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करेंगे या आप एक आर्क भी लगा सकते हैं। 1 यूनिट दैट मीन स्केल पे जो आपका 1 सेंटीमीटर होता है उतना आप कंपास के लिए अच्छे ओपन कीजिए यहाँ पे आर्क लगाइए। अब ये हमें कैसे पता लगेगा कि हमको 1 का ही आर्क लगाना है या कई बार 2 का भी हो सकता है। तो जैसे हमने अंडर रूट 2 को स्प्लिट किया था तो वैसे ही आप रूट 3 को देखिए आप कैसे स्प्लिट कर सकते हैं।
रूट 3 के लिए हमारे पास बेस क्या है, अंडर रूट 2। तो आप अंडर रूट 2 का यहाँ पे स्क्वायर कीजिए और 1 का स्क्वायर कीजिए। क्या कीजिए, अंडर रूट 2 का स्क्वायर कीजिए और 1 का स्क्वायर कीजिए। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास अगेन अंडर रूट 3 ही आएगा। देखिए कैसे, अंडर रूट 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर का मतलब कि अंडर रूट 2 टाइम्स है। अगर आप अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 से करते हैं तो आपके पास क्या आता है, अंडर रूट 4। आपके पास क्या आता है, अंडर रूट 4। और अंडर रूट 4 किसके इक्वल होता है, 2 के। तो 2 तो यहां से हो गया और यहां पे हमने क्या किया हुआ है, यहां पे हमने किया हुआ है स्क्वायर ऑफ 1। तो स्क्वायर ऑफ 1 क्या होगा, 1 होगा। दैट मींस 2 प्लस 1 अगेन 3। तो दैट मींस जो हमने स्प्लिट किया है 3 को, अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, वो एकदम सही है, करेक्ट है। तो देखिए हम कहां तक पहुंच गए थे, हमने अंडर रूट 2 को बेस कंसीडर किया और यहां पे जो बी पॉइंट है वहां पे हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद 1 यूनिट का हमने यहां पे क्या किया, एक आर्क लगाया। आर्क लगाया तो यहां पे जो आर्क लगा 1 यूनिट के बाद उसको हमने नेम गिवन कर दिया यहां पे सी। सी ने गिवन कर दिया। अब आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट ओ है, ये जो पॉइंट ओ है इसको आपको सी से कनेक्ट करना है। पॉइंट ओ को आपने कनेक्ट किया सी से, तो ये जो वैल्यू आई, जो ओसी का जो डिस्टेंस आया वो कितना आएगा, अंडर रूट 3। जो ओसी का डिस्टेंस आया वो आया अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 3 देखिए, ओसी तो आ गया अंडर रूट 3, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसको अंडर रूट 3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सेम वे में जो लास्ट स्टेप था रूट 2 के लिए, ओ से सी तक का कंपास ओपन किया, ओ से सी तक का डिस्टेंस हमने यहां से मेजर किया, ओ को सेंटर मान के, ओ को सेंटर मान के हमने क्या किया, इस पॉइंट सी से एक आर्क ड्रॉ किया, एक आर्क ड्रॉ किया। तो आप देखेंगे जब आप इस आर्क को ड्रॉ करेंगे, इस आर्क को ड्रॉ करेंगे तो इस नंबर लाइन को वो एक पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। नंबर लाइन पे वो आर्क जो है इंटरसेक्ट करेगा किसी भी पॉइंट पे, और उस पॉइंट का नेम हमने यहाँ पे सपोज हम इसको नेम अलॉट करते हैं डी। हमने नेम क्या अलॉट कर दिया, डी। तो ये जो पॉइंट डी है नंबर लाइन पे, जो आर ड्रॉप करने के बाद आपके पास आया, तो ये क्या हो गया, अंडर रूट 3। तो आप लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर डी इक्वल्स टू अंडर रूट 3, या आप लिख सकते हैं ओ डी, क्योंकि ओ से डी का जो डिस्टेंस है वो भी अंडर रूट 3 है। तो इस तरह से आप किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। अंडर रूट 4 को करने की जरूरत नहीं, अंडर रूट 4 इक्वल टू 2 होता तो डायरेक्टली नंबर लाइन पे आप उसको 2 ड्रॉ कर देंगे। सिमिलर वे में अगर अंडर रूट 3 की जगह अंडर रूट 5 भी आता है तो उसको भी आप इसी मेथड में क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक था कि किसी भी इरेशनल नंबर को, किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे हम कैसे